एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि येट टू क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। येट टू का मतलब होता है कोई काम करना अभी बाकी है या कोई काम अभी भी बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बड़ी मुसीबत अभी आना बाकी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बिग प्रॉब्लम इज येट टू कम, यानी बड़ी मुसीबत आना अभी बाकी है। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस बोला येट टू कम, जिसका मतलब हुआ आना अभी बाकी है या अभी भी बचा हुआ है। अगर आपको कहना हो अंतिम विकेट गिरना बाकी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फाइनल विकेट इज येट टू फॉल, यानी अंतिम विकेट गिरना बाकी है, हमें अभी भी 20 किलोमीटर सफर करना बाकी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी आर येट टू जर्नी 20 किलोमीटर, यानी हमें अभी भी 20 किलोमीटर सफर करना बाकी है या बचा हुआ है। अगर आपको कहना हो मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम येट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि येट टू का मतलब होता है किसी काम को करना अभी बाकी है या अभी भी बचा हुआ है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।